अब हिसार में अनूप कुंडू हमारे संवाददाता जो है उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया है, वो आपको दिखा रहे हैं। 12 मई को जिन प्रत्याशियों का ईवीएम में भाग्य बंद हो गया था, आज उसका पिटारा खुलने वाला है। प्रशासन द्वारा आज काउंटिंग को लेकर के तमाम पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर बैरिगेट्स लगाए गए हैं, आने जाने वाले जो भी वाहन हैं उनको रोक दिया गया है, डिवर्सन अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ हरियाणा पुलिस के अलावा जो भी पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरएफ के जवान जो है पहरा दे रहे हैं, ईवीएम की मतगणना होगी उससे के लिए एजेंट यहाँ पर लगातार पहुँचने शुरू हो गए हैं और 8 बजे का जो समय है ईवीएम से काउंटिंग करने का वो शुरू हो जाएगा, 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और आने वाला कुछ घंटों के बाद ही परिणाम और रुझान आने शुरू हो जाएंगे और पता चल पाएगा कि हिसार में जो सांसद का ताज किसके सर पर सजने वाला है, इसका फैसला भी अब से चंद घंटों में हो जाएगा। अपने सहयोगी जगदीप के साथ मैं अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। चलिए अनूप कुंडू हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे भी जुड़ गए हैं। अनूप, सुरक्षा का तो आपने दिखा दिया, लेकिन एक सवाल जो सबसे पूछ रहे हैं हम, उसका जवाब पहले दे दीजिए, इससे स्थिति कम से कम थोड़ी समझ में आएगी कि वहां क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अब तक लड्डुओं के ऑर्डर दिए हैं या नहीं दिए हैं। जी गौरव, अगर लड्डुओं की बात की जाए तो किसी भी पार्टी ने अभी तक लड्डुओं के ऑर्डर नहीं दिए हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी का उम्मीदवार जो है श्योर नहीं है कि जीत उनकी ही होगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, इनेलो हो या कांग्रेस हो। यहाँ आने के बाद हमने कुछ उनके कार्यकर्ताओं से बात भी की थी कि लड्डू के ऑर्डर दिए गए क्या, सभी मुस्कुराते हुए सिर्फ ये कहते हुए नजर आए कि जीत के बाद लड्डू मंगवा लिए जाएंगे। जीत के बाद लड्डू मंगवा लिए जाएंगे, ये लड्डू वाला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस समझ में आता है कि कौन कितना कॉन्फिडेंट है। अच्छा, एक बात बताइए कि वहां क्या बड़े नेताओं का जुटना, क्योंकि ये बहुत हॉट सीट है, यहाँ हरियाणा के 3 बड़े सियासी खानदानों के चश्मो चिराग एक साथ मैदान में हैं, तो क्या वहाँ बड़े नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। जी गौरव, अगर बात की जाए हिसार की, आप बता रहे हैं कि हॉट सीट है और भजनलाल का परिवार यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, दुष्यंत चौटाला यहाँ से देवीलाल के परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं और वीरेंद्र सिंह के परिवार से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो अभी यहाँ पर जो प्रत्याशी है उनके साथ उनके कार्यकर्ता और एजेंट जो है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, वहां क्या बाकी जगहों की तरह वहां भी क्या विपक्ष जो है वो ईवीएम को लेकर शक जाहिर कर रहा है। जी गौरव, जैसे ही ईवीएम की बात की जाए तो ईवीएम को लेकर के कांग्रेस पार्टी तो पहले ही सवाल उठा चुकी है और अगर इनेलो की बात करते हैं, इनेलो की तरफ से भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए थे और ईवीएम कितनी ये बात सही है या कितनी गलत है ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही सामने आएगा और जब चुनाव के नतीजे आएंगे जाहिर सी बात है कि जिसके विपक्ष में आएंगे वो ईवीएम को तो दोषी ठहराएंगे ही। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।